महामारी के काल में निजी कंपनियों से समूह में लोन लेने के बाद किश्त नहीं भरने पर कंपनियों द्वारा महिलाओं को विभिन्न तरह से धमकाया जा रहा है। इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पीड़ित महिलाएं संभागायुक्त कार्यालय ज्ञापन देने पहुंची। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक तरफ तो कोरोना महामारी में लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे थे और कोरोना काल के समय में विभिन्न तरह की इंस्टॉलमेंट नहीं भरने के कारण संकट के समय कई कार्यों पर प्रशासन ने रोक लगा रखी थी, जिसके चलते शहर के निम्न वर्ग गरीब महिलाओं ने स्वयंसेवी संस्थाओं या प्राइवेट बैंकों से रोजगार के लिए ऋण लिया था। कोरोना संकट में उन्होंने किश्त नहीं भरी तो अब लॉकडाउन के समय कंपनियों के लोग महिलाओं को विभिन्न तरह से परेशान कर रहे हैं, उनका नाम ब्लैकलिस्ट में डालने की धमकी दे रहे हैं। बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं मंगलवार को कांग्रेस नेता जीतू दीवान के साथ संभागायुक्त कार्यालय पहुंची और उन्होंने कंपनियों के खिलाफ ज्ञापन दिया। अधिकारियों ने प्राइवेट बैंक संचालकों पर और उनके कर्मचारी जो कि इन गरीब महिलाओं पे बकाया किस्त भरने के लिए दबाव डाल रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और फ़ोन करके इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये महिलाएं सब निम्न वर्ग की हैं, ये रोज़ मजदूरी करके घरों में झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन चलाती हैं। कोरोना के कारण पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था ठप है, हर व्यक्ति परेशान है। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये गरीब महिलाएं 3 किस्त जो इनकी बकाया है वो कैसे भरेंगी। तो आज हम यहाँ पर 144 धारा के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई है, नहीं तो पूरे शहर में आप अगर देखेंगे तो हजारों महिला इन प्राइवेट बैंक संचालकों के कर्मचारियों से और संचालकों से की दादागिरी से परेशान। लेकिन लोग डरते हैं, खुल के नहीं आते हैं। ये महिलाएं खुल के इसलिए आई हैं कि इनने सोचा कि किसी को तो आगे आना पड़ेगा, तो ये हमारे साथ में आज यहाँ आई हैं ज्ञापन देने के जिन संस्थाओं से इन्होंने लोन लिया है उन संस्थाओं के बैंक संचालकों को और उनके कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। हमने आज यहाँ पर संभागायुक्त महोदय, धमकियाँ भी मिल रही है, इनको धमकियाँ भी मिल रही हैं, वो भी हम आपको देंगे। इनकी वीडियो इनके पास में है और उनके फ़ोन आते हैं, उसके भी हम आपको कॉल डिटेल दे सकते हैं। शिकायत की आपने अभी तक? आज तो हम शुरुआत की है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हमने आज से शुरुआत की है, क्योंकि हम ज़्यादा महिलाओं को अगर एकत्रित करते तो शासन मतलब कुछ भी हो सकता, विवाद की स्थिति बन सकती थी, इसलिए हमने कम से कम महिलाओं को एकत्रित करा है। क्या करेंगे अब आप? आगे हम 4-5 दिन का इन्होंने हमें समय दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। अगर इन महिलाओं को इंसाफ दिलाया नहीं गया और उन प्राइवेट बैंक संचालकों पर और कर्मचारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम 5वें दिन के बाद हम चरणबद्ध रूप से उन लोगों के खिलाफ अभियान प्रारंभ करेंगे और उसके तहत अगर उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती है तो हम सब महिलाएं और हम सब लोग मिलके आमरण अनशन पे बैठेंगे। कौन कौन से क्षेत्र के लोग हैं यहाँ? ये पूरे इंदौर की महिलाएं हैं, मतलब ये द्वारकापुरी की हैं, प्रजापति नगर की हैं, मालवा मिल की है, आकाश नगर की है, सुदामा नगर की है, पार्षद वगैरह। देखिए ये जनप्रतिनिधियों के पास भी कई बार जा चुके हैं और चूंकि हम लोग शुरू से अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं इसलिए हमारे से उन्होंने संपर्क किया, इसलिए हम इनके मानवता के नाते इनकी लड़ाई में साथ दे रहे हैं। बाकी जितने जनप्रतिनिधि, मैं यही रहता हूँ इंदौर में ही रहता हूँ, जेल रोड में नहीं, मैं जेल रोड पे रहता हूँ, जीतू दीवान है मेरा नाम जी। तो जो रहा सवाल जनप्रतिनिधियों का आपने पूछा, तो जनप्रतिनिधियों को सिर्फ वोट के टाइम इन लोगों की याद आती है और वो लोग ये लोग उनके पास गए थे लेकिन उन लोगों ने उनको नकारात्मक जवाब दिया और इनको उल्टा रवाना कर दिया। तो भाई दीवान जी के साथ में हम महिला समूह का लोन चलता है हम लोगों का प्राइवेट बैंकों से, जैसे कि 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, इसके चलते हमारी 3 महीने की किस्तें बकाया है जो कि अभी हम भरने में असमर्थ हैं। हमारे 3 महीने से तो सब हम घर बैठे थे, कोई इनकम का जरिया नहीं था और अभी लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी हमारा काम अभी चल नहीं रहा, क्योंकि किसी की चाय की दुकान है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई किसी के घर में बर्तन कपड़े करता है, कोई खाना बनाने जाता है, इनकम अभी किसी की चालू नहीं हुई, जिसके कारण हम अभी किस्त भर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट बैंक के कर्मचारी अधिकारी हैं ये प्रतिदिन हमारे घर आते हैं और हमें किस्तों के लिए परेशान करते हैं, हम किस्त भरने में अभी असमर्थ। कौन सी कंपनी है, जैसे नाम बता सकते हैं कुछ कंपनियों को? माइक्रो फाइनेंस कंपनियां सर अभी इंदौर में, मतलब 10 से 15 कंपनियां हैं अलग अलग, जनलक्ष्मी, स्पंदना, BSS। कितनी किस्त आती है इनकी करीब आपकी?
सर सब अलग अलग, कोई हफ्ते का किस्त है, कोई 15 दिन का किस्त है, कोई महीने का किस्त है। अब 3 महीने की जो हमारी बकाया किस्त है उसके ऊपर भी हमसे बोलते हैं कि ये ब्याज लगेगा आपका, तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज सर हम क्यों दें? अगर हम 20,000 का लोन लेते हैं तो उसमें भी हम 23,000 भरते हैं। अब जो 3 महीने की किस्तें हैं उसका हम चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ से भरें? फिलहाल की कंडीशन में सर हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं, हम खाने पानी तक को परेशान हैं। तो क्या 3 महीने की किस्त इकट्ठी मांगी जा रही है आपसे या फिर? नहीं, एक एक मांग रहे पर सर देने के लिए भी तो हो ना, अभी गुंजाइश ही नहीं है हम लोगों के पास देने की। अभी अगर हम एक किस्त देंगे तो दूसरी बैंक वाला बोलेगा कि हमें भी किस्त दो, कहाँ से दें हम? हमारी आर्थिक स्थिति क्या करेंगे आगे? अभी तो हमारी स्थिति ये है सर कि अगर ये बैंक वालों को अभी कोई इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई अगर शासन नहीं करता है तो हम लोगों को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फोन भी लगाते हैं क्या आपको? फोन भी लगाते हैं और बोलते हैं आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आपको आगे से लोन नहीं मिलेगा। सर मतलब किसी लेडीज का 10 साल से लोन चल रहा है। किस चीज़ के लिए लिया था ये? सर किसी ने सिलाई के लिए लिया है, किसी ने टिफिन सेंटर के लिए लिया है, किसी ने दुकान के लिए।